असलम व्यूवर्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिनेमा 4D में लास्ट टाइम हमने डाइस मॉडलिंग की थी और डाइस के टेक्सचर मटेरियल एडिटर से डाइस के टेक्सचर वगैरह भी लगाए थे और एटमिक पॉली बनाकर उसके अंदर होल्स हमने जनरेट किए थे चारों तरफ, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस तरह 6 तक के हमने होल्स उसके अंदर जनरेट किए थे, मटीरियल उसके अंदर लगाया था, ग्रुप सिलेक्शन की थी, आपको याद होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो लिंक में आप देखिएगा, वीडियो का आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिए। ये डाइस मॉडलिंग पार्ट 2 है, इसके अंदर हम जो है वो लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो यहाँ से मैं लेकर आ जाता हूँ आपको डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं काम करता हूँ कि स्क्रीन जो है ना वो यहाँ की जगह यहाँ लेकर आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को देखना मुश्किल ना हो और मेन्यूज़ के अंदर भी जो है वो इशू ना हो, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है यहाँ पर आ जाता हूँ मैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एक डाइस मॉडल किया, ठीक है, और ये बोर्ड हमने बनाया था, यानी लूडो का बोर्ड हमने किस तरह से इस पर टेक्चरिंग की थी, इसके पार्ट 1 में सब कुछ मौजूद है। अच्छा, अब ये जो डाइस है इसको हमने नीचे गिराना है। अब इसकी लॉजिक क्या, पहले मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक पहले प्लेन ले लेता हूँ, सिंपल सा प्लेन लिया मैंने और मूव करके इसको बाहर की तरफ ले लेता हूँ, स्केल का ऑप्शन लेता हूँ, या फिर आप इस डॉट की मदद से भी खींच सकते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा कर दिया डॉट को और इसको यहाँ रख देता हूँ, मूव करके यहाँ रख देता हूँ, एस दबा दिया, ठीक है, एस से इसको जूम कर लेगा इस ऑब्जेक्ट को। अब इसके ऊपर जो है मैं एक बॉक्स, एक क्यूब ले लेता हूँ, क्यूब अगेन आपके सेंटर ऑफ द ग्रिड आया होगा, इसको आप मूव करके यहाँ से यहाँ लेकर आ सकते हैं। एक मैं ले लेता हूँ उसके अंदर स्फेयर ले लेता हूँ, स्फेयर को भी मैं यहाँ पर प्लेन के ऊपर लेके आ जाता हूँ, और तीसरा मैं एक ले लेता हूँ टॉरस ले लेता हूँ, टॉरस भी आपका ऑटोमेटिकली बनता हुआ आ जाएगा और आप उसको मूव करके यहाँ पर रख देंगे। एस दबा दिया, जूम किया मैंने इन तीनों को, ठीक है, एक टॉरस हमने लिया हुआ है, एक हमने बॉक्स लिया हुआ है, ये मैं डायनेमिक समझाने के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्ट उस पर लगा दूंगा ना आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। अच्छा, अब दो एक्सेस से पकड़ के स्फेयर थोड़ा इधर ले लिया और बॉक्स जो है वो थोड़ा सा इधर ले लिया और टॉरस जो है वो थोड़ा सा ऊपर ले लिया, आर दबा के थोड़ा सा जेड एक्सेस में इसको घुमा देता हूँ, इसी तरह क्यूब को भी जो है वो थोड़ा सा इस तरह घुमा देता हूँ। अब देखें लॉजिक क्या है इसकी, कि अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पर, चले मैं यहाँ पर अभी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक अदर बॉक्स और ले लेता हूँ, एक बॉक्स और लिया मैंने इसकी वॉल बाउंड्री वॉल बनाने के लिए, तो मूव करके मैं इसको लेकर आ जाता हूँ, ई दबाया, ई दबा के यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसकी ग्राउंडेड ग्राउंडेड लाइन्स ऑन करता हूँ, इसकी आउटलाइन आपको नज़र आए उसके लिए यहाँ पर आता हूँ, डिस्प्ले, डिस्प्ले में आके ग्राउंडेड शेडिंग लाइन्स ये ऑन कर दिया, आपको लाइन्स दिख रही हैं, तो मैं थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूँ उसको, एज अ दीवार समझ लें या वॉल समझ लें, ऊपर वाले डॉट को पकड़ के थोड़ा इस तरह से ये एक वॉल का काम करेंगे। अभी मैं इसको वॉल की प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, आप देखेंगे क्या होगा। कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी एक और ले ली मैंने साइड में, और बैक साइड पे कंट्रोल दबा के एक सेंटर में भी कॉपी ले ली, और इसको मैं ई दबाता हूँ, बल्कि आर दबाता हूँ रोटेशन, और शिफ्ट दबा के इसको 90 डिग्री ऐसे घुमाता हूँ, शिफ्ट से एग्जैक्ट 90 आ जाएगा, देखिए आ चुका है। ई दबा के आपने इसको पीछे बैक साइड पे लेके चले जाए, इन दोनों वॉल को थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ ताकि पीछे जगह बन जाए, और इस वॉल को मैं इसके साथ लगा के रख देता हूँ, ठीक है, चिपका के नहीं रखें, थोड़ा सा दूर रख दें, ठीक है। अच्छा, अब समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखें यहाँ पर जैसे ये कोलाइडर बॉडी है, ये कोलाइडर है, ये कोलाइडर है, ये कोलाइडर है, कोलाइडर से क्या मुराद है, जैसे कि कोलाइडर बॉडी उसको बोलते हैं जो कि अपनी जगह से हिलती नहीं है, अपनी जगह से मूव नहीं होती, जबकि आपको पता है कि ये गिरेंगे, बाउंस भी करेंगे, रोटेट भी करेंगे, फ्रिक्शन भी लगेगी इस पर, ग्रेविटी भी लगेगी, तो ये जो डाइस, ये जो बॉक्स, टॉरस और स्फेयर, ये तीनों जो है वो रिजिड बॉडी है, जो मूवमेंट में जो चीज़ मूव करेगी वो रिजिड बॉडी है, जो कि स्टैटिक है वो कोलाइडर बॉडी है। कैसे, देखें आपने प्लेन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट क्लिक दिस, शिफ्ट क्लिक दिस, शिफ्ट क्लिक दिस, चारों को आपने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, इनको हमने सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ से मैं आता हूँ टैग्स में जाके
अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जब मैं इस पे कोलाइडर बॉडी लगाऊंगा तो यहां पर एक चीज ऐड हो जाएगी डायनेमिक्स के तौर पे, सबके आगे एक एडिशन होगा टैक्स, टैक्स के अंदर आप आ जाएंगे सबमिशन टैक्स, सबमिशन टैक्स में करेंगे कोलाइडर बॉडी। सेकंड वर्ड में आप कह सकते हैं कि पैसिव रिजिड बॉडी, जो कि माया में हम कहते हैं, ठीक है ना, माया में हम उसको कहते हैं पैसिव रिजिड बॉडी। आप देखें इनके आगे एक आइकन आ गया, ये डायनेमिक्स का आइकन है। इसी तरह से ये जो चारों हैं, ये और ये तीनों जो हैं, इनके ऊपर हम लगाने जा रहे हैं टैग्स में जाके सेमिलेशन टैग, और सेमिलेशन टैग में आप कर देंगे रिजिड बॉडी। आइकन में थोड़ा सा फ़र्क है, देखें दोनों की शक्ल में मामूली सा फ़र्क है। ये पैसिव रिजिड बॉडी का डायनेमिक्स है, ये एक्टिव रिजिड बॉडी का। अब मैं आपको उसको प्ले करके दिखाता हूँ। आपको रेंज थोड़ा बढ़ाना है क्योंकि 90 फ्रेम इनफ नहीं होंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 300 फ्रेम। अब जैसे ही एंटर करता हूँ आपने देखा ये 300 अभी भी नहीं हुआ, 90 फ्रेम पे ही है। तो ये वाला स्लाइडर खींच कर आपने यहाँ तक लाना है एंड तक, ताकि पूरा 300 हो जाए। अब आप फुल रिवाइंड करके इसको पहले प्ले करके देखें, देखा आपने कैसे गिराइए। तो ये लॉजिक है, ये मैं आपको अगर डायरेक्ट समझाता तो आपको कुछ भी पले नहीं पड़ता, लेकिन अब आपको चूंकि समझ में आ गया, और ये जितना ऊपर से होगा, जैसे अगर मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल टूल इस तरह मार्की सिलेक्शन के काम आता है, और शिफ्ट दबा के इसको निकाल लेते हैं बाहर, समथिंग रॉन्ग, कंट्रोल दबा के इसको बाहर निकाला, ठीक है। इन तीनों को मैंने ऊपर ले लिया थोड़ा, ठीक है। कंट्रोल दबा के आप किसी चीज को डी सिलेक्ट कर सकते हैं या उसकी सिलेक्शन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए मैं प्ले करके दिखा रहा हूं आपको, ज्यादा ऊपर से गिरने से ज्यादा तेजी से चीज आई है। अच्छा रिवाइंड करता हूं, आपने देखा ये जो आपका बॉक्स है इसको थोड़ा सा एंगल आप चेंज कर सकते हैं, एंगल थोड़ा सा चेंज किया, इसको स्केल का ऑप्शन लेके थोड़ा स्केल भी कर दिया, जिस तरह आप खींचेंगे स्केल भी हो गया। अब रिजल्ट में बहुत बड़ा फर्क आएगा, देखिए पहले जो रिजल्ट आपने देखा था, देखा आपने, अब देखिए दीवार से टकरा रहा है लेकिन गिर नहीं रहा है ना, यहाँ वहाँ गिर नहीं रहा। अब देखिए मैं जो ये आपका क्यूब है, ठीक है, ये वाला क्यूब, इसका बाउंस बढ़ाना है तो मैं क्यूब के यहाँ पर बाउंस के ऑप्शन में ये जो डायनेमिक्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। एनिमेशन आपकी चल रही है, अब आपको पता है कौन सिलेक्ट है, बॉक्स सिलेक्ट है, ये बॉक्स है, आप डबल क्लिक करके इसका नाम बॉक्स रख सकते हैं। अच्छा यहाँ पर आपने इसके डायनेमिक्स पे क्लिक करना है, यहाँ अभी ऑप्शन डायनेमिक्स पे आ नहीं रहा, डायनेमिक्स पे मैंने क्लिक तो कर दिया लेकिन अब आया, क्लिक किया आपने और आप देखें यहाँ नीचे इसका बाउंस आ रहा होगा। बाउंस को अगर मैं 100% कर दूँ तो देखिए कितना ज़्यादा बाउंस कर रहे हैं। फुल रिवाइंड होने के बाद एग्जैक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा कि बाउंस कितना कर रहा है, ठीक है। ये बाउंस आप बढ़ा भी सकते हैं, मैं 500% कर दूँ, आप देखें और ज्यादा हो गया, आप देखिएगा इसका बाउंस, देखा आपने कहाँ चला गया, लालू खेत की तरफ बहुत दूर चला गया, यानी अब आप देखें कहाँ जा रहा है, ये देखें ये जा रहा है, वो धमाल वाली फिल्म में नहीं, वो स्विमिंग पूल से ऊपर आता है वैसा टेक्चर हो गया, ऊपर ही आते जा रहा है और फिर नीचे गिर जाएगा। तो ये कितना ज्यादा उछल गया, और वजह यही थी कि इसका बाउंस हमने 500 या 300% कर दिया, तो मुनासिब कर लेते हैं इसको। तो दोबारा से बॉक्स के बाउंस पे आता हूँ और यहाँ से मैं 500 की जगह इसको 200 कर देता हूँ, ये फिर भी सही है। फुल रिवाइंड किया आपने और प्ले कर दिया, अब आप देखिए इसका रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। मटेरियल आप ड्रॉप भी कर सकते हैं, देखिए इंटरेक्टिव कितना है, कोई भी मटेरियल मैंने ये इस पर लगा दिया, मटेरियल आ जाएगा इसके ऊपर, रेड कलर, वाइट कलर, कोई सा भी मटेरियल आप लगा दें, इस पर भी रेड लगा दिया या एक पर वाइट कर देना, चलो ठीक है। इस तरह मटेरियल आप ड्रॉप भी कर सकते हैं इंटरेक्टिवली, और आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ गया। अच्छा इसके ऊपर जो डायनेमिक्स मैंने लगाई थी वो लगाई थी यहाँ पे ये वाली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको सिलेक्ट करके मैं ले लेता हूँ उसके ऊपर टैग्स में जाके सेमिलेशन टैग, और सेमिलेशन टैग में जाके इसको कर देता हूँ रिजिड बॉडी। अब ये मूवेबल हो गया, बॉल चूंकि बहुत छोटा है, देखिए इस पर इम्पैक्ट लाता कि नहीं लाता है, ये पहले ही गिर के ज़मीन पे फिट तो हो गई लेकिन अब देखिए बॉल गई, और बॉल चूंकि छोटी है, बॉल बहुत छोटी है, अब आप बॉल का साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ से सिलेक्ट किया, स्केलिंग का ऑप्शन लिया, बॉल को मैंने अच्छा खासा बड़ा कर दिया,
और मे बी ये उस तरफ बाउंस करके ना जाए, फिर भी देख लेते हैं, इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कहाँ जाता है। ओके, समहाउ ये इसको बन गया। बॉल का जो बाउंस है, ये बॉल है, अब डबल क्लिक करके इसका नाम बॉल रख दे। अच्छा, यहाँ बाउंस आ रही है। अब बॉल का जो बाउंस है वो आपने थोड़ा सा बढ़ाना है, और इसका बाउंस 50 की जगह 100% कर देता हूँ, और चेक करते हैं कि क्या ये इसको हिला पाता है कि नहीं। बहुत ही मामूली सा हिला है, लेकिन अगर मैं निशाने पे लगा के इस बॉल का निशाना ही ऐसे कर दूँ, यानी यहाँ से अगर आप देखें तो बॉल को अगर मैं थोड़ा इधर ले लूँ तो ये यकीनन इस पर गिरेगा, इसकी रेंज में आ गया। देखते हैं चेक करके प्ले। अब आप देखें थोड़ा सा हिला पाया, ज़्यादा नहीं, इसका मतलब थोड़ा सा और उसको मूव करना पड़ेगा, तो ज़्यादा हो गया, लेकिन देख लेते हैं। देखा आपने, ये गिर गया। ये इसलिए गिरा क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, ये कोलाइडर बॉडी नहीं है, और ये चूंकि कोलाइडर बॉडी है, अब आप देखें यहाँ रख के देखें मेरा, ये इसको गिरा पाता है, नहीं गिरा पाता। देखा आपने, नहीं गिरा पाया उसको। आप बोलेंगे साइड से गिरा, इसलिए नहीं गिरा पाया। चले ऐसे करके देखें, ये वो स्टैटिक बॉल के तौर पे, ये मूवेबल बॉल बन गई। और क्यों बन गई, इसलिए कि ये रिजिड बॉडी है जबकि ये कोलाइडर बॉडी है। अब आगे समझ में। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक पे। टॉपिक पे तो वैसे भी था, लेकिन एक क्लियर हो गया आपको। यहाँ से रेक्टेंगल सिलेक्शन लेके आपने इस तरह रेक्टेंगल सिलेक्शन ले लें पहले, और मार्की सिलेक्शन ड्रॉ करते हैं, उसको डिलीट कर देते। ओके, यहाँ पे अगेन आते हैं। इस ये जो क्यूब है हमारा, ठीक है ना, इसके ऊपर लाइनें बनी, इसलिए ऐसा काला दिख रहा है। यहाँ से आप कर दें डिस्प्ले में जाके ग्राउंडेड शेडिंग, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। आउटलाइन इतनी ज़्यादा थी उसकी। अच्छा, ये क्यूब है आपका, क्यूब को मैं यहाँ से मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। क्यूब ये वाला है, इस क्यूब को मैं थोड़ा सा और ऊपर रख देता हूँ, ना सिर्फ ऊपर रखता हूँ बल्कि थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, आर दबा के थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यही चीज़ इसके ऊपर भी करके देखते हैं। अच्छा, अब क्या है कि इस क्यूब की अगर मैं कॉपी लूँगा, कंट्रोल दबा के कॉपी ले लूँ, तो ये सेकंड क्यूब बन तो गई, लेकिन सेकंड क्यूब पे आप देखें, अगर ये क्यूब टू इसका नाम रख दूँ, तो ये जो क्यूब टू है, अगर ई प्रेस करूँ मूवमेंट लेके, इसको बाहर की तरफ निकाल दूँ थोड़ा, तो आप गौर से देखिएगा कि स्मूथ सिर्फ इसके ऊपर है, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। स्मूथ इस बराबर वाले के ऊपर बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर मैं इस वाले क्यूब को पहले तो बाहर निकालता हूँ, क्योंकि अभी भी ये इस सब डिवीजन का हिस्सा है, इसको बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक सब डिवीजन एक और लेना है। यहाँ से सब डिवीजन ले लिया आपने, और इस क्यूब को आपने जाके इस सब डिवीजन पे, थैंक यू मैडम, इस सब डिवीजन पे आपने गिरा दिया। अब देखें इस पर स्मूथ आ गई। हाँ, ये अलग बात है कि आप इस वाले क्यूब को जो है वो आर दबा के थोड़ा रोटेट करके इसका एंगल चेंज करें, डिफरेंट करने के लिए, ठीक है, दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल देखें, ये स्मूथ लगा हुआ है, लेकिन आपने डायनेमिक्स इस वाले क्यूब पे लगाना है और इस वाले क्यूब पे लगाना है, सब डिवीजन पे नहीं लगाना है, ये मॉडिफायर है, ठीक है। मॉडिफायर पे आपने ये चीज़ या मॉडिफाई डायनेमिक्स नहीं लगाना। डायनेमिक्स इज अ मॉडिफायर विच मेक्स बॉडी मूव, रोटेट, ठीक है ना, बाउंस भी करेगा, फ्रिक्शन भी उस पर अप्लाई होगी, वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस वाले क्यूब और शिफ्ट दबा के इस वाले क्यूब को, यहाँ गड़बड़ हो गई, शिफ्ट से गड़बड़ क्या हुई, सारे सिलेक्ट हो गए लिस्ट में, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप क्लिक करें क्यूब को, कंट्रोल दबा के सेकंड क्लिक करें ताकि ये बीच वाले सिलेक्ट ना हो। अब ये दोनों सेलेक्ट हो गए। आप ई दबा के चेक कर लें, ये मूव करेंगे, दोनों साथ मूव करेंगे, इसका मतलब सही सिलेक्ट हुए, ठीक है। अब कैसे इस पर डायनेमिक्स लगेगी आप लोग समझ गए होंगे। टैग्स में जाएंगे, सिमुलेशन टैग में आएंगे, और इस पर ले लेंगे रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ले ली जबकि ये कोलाइडर बॉडी है, इसको सिलेक्ट किया हमने। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से, अच्छा, इसके ग्राउंडेड ऑन करके देखते हैं ज़रा। डिस्प्ले में जाके यहाँ से मैं ग्राउंडेड शेडिंग ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर लाइनें वैसे भी नहीं है तो आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, तो डिस्प्ले करके मैं ग्राउंडेड ऑफ करता हूँ, शेडेड दोबारा ले लिए ताकि आप क्लियरली देख सकें। इन पर मैं लगा चुका हूँ रिजिड बॉडी,
जो कि ये आपको नज़र आ रहा है, डायनेमिक्स है, और इसको सिलेक्ट करने के बाद जो कि बोर्ड है आपका, इसका नाम बोर्ड करता हूँ ताकि आप देख सकें, कंट्रोल एस सेव ज़रूर करते जाए इसको। यहाँ पर मैं काम करता हूँ कि इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, इसके अंदर आप लेंगे टैग्स सिमुलेशन टैग और इसके अंदर लेंगे कोलाइडर बॉडी। ये पैसिव रिजिड बॉडी है, ये दोनों एक्टिव है। फ्रेम मैं यहाँ बढ़ा चुका था 300, आपको याद होगा, तो मैं इसको पहले प्ले करके आपको दिखा देता हूँ, फुल रिवाइंड किया, प्ले कर देते हैं। देखा आपने, 5 और 5 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कि इस तरह खेला जा सकता है। ज़रा भी डायनेमिक्स में चेंज करता हूँ, जैसे कि क्यूब 1 को सिलेक्ट किया, इसके डायनेमिक्स में आ गया, यहाँ से आके इसका बाउंस जो है वो बढ़ा देता हूँ, 50 की जगह 80 कर देता हूँ, और आप देखिए कितना बड़ा फर्क आ जाएगा रिजल्ट में। आपको याद है पहले 5 और 5 आया, अब 2 और 5 आया, ठीक है। तो बारी बारी आप कर सकते हैं, क्यूब 2 को सिलेक्ट किया, इसके डायनेमिक्स में आ गए, और यहाँ से आके इसका भी बाउंस जाओ मैं 100 या 120 कर देता हूँ। आप देखिए, देखा आपने कितना बड़ा फ़र्क आया, कितना ज़्यादा उछला है। इस तरह एक खास एंगल देकर आप एक एनिमेशन भी इसकी बना सकते हैं। तो आज डायनेमिक्स तक रखते हैं, काफ़ी सारा आपने इसमें सीखा है, लेकिन ये कि अब आगे जो है इसकी अगली क्लास में इसकी कैमरा एनिमेशन के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, टाइप्स ऑफ लाइटिंग के हवाले से, और फिर उनकी एनिमेशन के हवाले से हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, रेंडरिंग और रियलिस्टिक रेंडरिंग, वीरे रेंडरिंग जिसको आप कहते हैं, तो हम थोड़ा रियलिस्टिक रेंडर भी करेंगे उसको, और उसकी वीडियो भी बनाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगली क्लास में होने वाली है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप सब देख सकें। बाकी आपकी ख्वाहिश पर वीडियो स्क्राइब, क्रिएट स्टूडियो, कार्टून एनिमेटर, एडोब एनिमेटर भी बहुत जल्द आपको नज़र आएगा यहाँ पे, और मजीद फोटोशॉप भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।